नमस्कार, मैं रवि मेहता और आप देख रहे हैं बिग न्यूज 9। हम आपको बता दें कि आरजेडी में एक बार फिर से बड़ा झटका लगने जा रहा है, और उसमें आपको बता दें कि उपचुनाव से ठीक पहले राजद को झटका 17 को सलीम परवेज की होगी जेडीयू में घर वापसी। जी हाँ, फिर से सलीम वापस आ रहे हैं जेडीयू में, और राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष और बिहार विधानसभा परिषद के पूर्व उपसभापति सलीम परवेज का राजद से महकमा जो है हटने वाला है और उनकी घर वापसी होने जा रही है। वो जेडीयू का दामन थामने जा रहे हैं। सलीम परवेज 17 अक्टूबर को जेडीयू की सदस्यता लेंगे। सलीम परवेज राजद में बड़ा मुस्लिम चेहरा माने जाते थे। साल के मई महीने में सलीम परवेज ने इस्तीफा देते वक्त कहा था कि डॉक्टर शहाबुद्दीन राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापकों में से रहे हैं। उन्होंने न केवल पार्टी के गठन में भूमिका निभाई, बल्कि लालू और राबड़ी के नेतृत्व में बिहार में स्थापित होने वाली सरकारों के गठन में विपरीत परिस्थितियों में भी सक्रिय और महत्वपूर्ण रोल अदा किया था। राजद के एम वाई समीकरण के आधार को एकजुट करने में वे एक महत्वपूर्ण कड़ी थे। व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने कभी धर्म के आधार पर राजनीति नहीं की और ना कभी उनका समर्थन लिया। सलीम परवेज का कहना है कि माले नक्सल आदि शक्तियों का विरोध और मजबूतों की रक्षा के लिए सदा डॉक्टर शहाबुद्दीन चट्टान की तरह खड़े रहते थे। तमाम राजनीतिक विरोधों और विवादों के बावजूद उनकी छवि बहुत अच्छी रही है। उन्होंने अपना संपूर्ण राजनीतिक जीवन राजद को समर्पित किया है, अर्पित कर दिया है। सलीम परवेज ने उस वक्त अपने बयान में कहा था कि शहाबुद्दीन से मेरा व्यक्तिगत संबंध काफ़ी अच्छा रहा। केवल वे मेरे अच्छे मित्र नहीं बल्कि मेरे भाई समान थे। मेरी उनकी काफ़ी अंतरंगता रही। शहाबुद्दीन के बीमार पड़ने से लेकर मौत की घटनाओं के बीच पार्टी के किसी भी नेता का बयान तक नहीं आया। उन्होंने निराशापूर्ण बताया था। इस्तीफा देते हुए उन्होंने कहा था कि पार्टी इस रवैये से दुखी और बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। विरोध स्वरूप अपने प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर प्राथमिक सदस्यता से तत्काल इस्तीफा दे रहा हूं। उन्होंने शहाबुद्दीन के निधन के जांच की मांग भी की है। अब देखना यह है कि सलीम साहब क्या करते हैं जेडीयू में, और इस आगे इस खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।